स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। खबर बिहार के सहरसा जिले से, जहां एक बार फिर जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सहरसा SP लिपि सिंह के द्वारा गठित टीम ने काफी मशक्कत के बाद जिले के बिहरा थाना में पदस्थापित PSI निक्की कुमारी की चोरी की गई सरकारी पिस्टल को सफलतापूर्वक बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने चोरी की घटना में संलिप्त 5 साथी चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चोरों द्वारा उपयोग में लाई जा रही कार को भी पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान SP लिपि सिंह ने बताया कि बीते 7 दिसंबर को बिहरा थाना में पदस्थापित PSI निक्की कुमारी की सरकारी पिस्टल खगड़िया और सहरसा रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन यात्रा के दौरान चोरी हो जाने की घटना संज्ञान में आई थी, जिसकी प्राथमिकी सहरसा रेल थाने में दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि घटना की प्राथमिकी भले ही रेल थाने में दर्ज हुई, लेकिन हथियार सहरसा जिला पुलिस बल का था, इसलिए उनके निर्देश पर सहरसा पुलिस की भी एक टीम मामले की जांच कर रही थी। प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक निशिकांत भारती, सर्किल इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह, सदर थानाध्यक्ष जयशंकर प्रसाद, सौर बाजार थानाध्यक्ष राजेश कुमार, PSI वर्षा कुमारी, ASI नरेंद्र सिंह और टेक्निकल सेल के अमर कुमार को मामले के अनुसंधान में गठित टीम में शामिल किया गया। पुलिस द्वारा बेगूसराय, खगड़िया, मानसी, सहरसा सहित अन्य रेलवे स्टेशन को पर लगे CCTV फुटेज को भी खंगाला गया। CCTV फुटेज भी एकत्र किए गए तथा कोपरिया रेलवे स्टेशन पर भी तकनीकी अनुसंधान के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सुराग एकत्र किए गए। वहीं उन्होंने बताया कि कई गुप्तचरों को भी अलर्ट किया गया था। इस दौरान जानकारी मिली कि सौर बाजार थाना क्षेत्र में खगड़िया के कुछ अपराधी आने वाले हैं। उनके बारे में यह भी सूचना मिली थी कि उनकी संलिप्तता पिस्टल चोरी की घटना में हो सकती है। पुलिस टीम रात 12 बजे से सौर बाजार थाने में कैंप कर रही थी। फिर रात के करीब 3 से 4 बजे के बीच एक संदिग्ध लाल रंग की कार को रोका गया। कार चालक गाड़ी को रोकने के बदले काफी लापरवाही से गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। पुलिस द्वारा गाड़ी का पीछा किया गया और गाड़ी को ओवरटेक कर रोका गया। उक्त कार में 5 लोग सवार थे। कार की तलाशी ली गई। इस दौरान उनके सीट के नीचे से एक थैले में छुपा कर रखा गया काले रंग का पिस्टल बरामद किया गया। सख्ती से पूछताछ के दौरान गिरफ्तार सभी ने स्वीकार किया कि यह वही पिस्टल है जिसे खगड़िया से सहरसा के बीच विगत 7 दिसंबर को ट्रेन से चोरी किया गया था। पुलिस ने कार में सवार मास्टरमाइंड अमन पंडित समेत उसके साथ ही श्याम सुंदर पासवान, कार्तिक पासवान, रोशन यादव और नीरज कुमार यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सभी अपराधी खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। उनका मुख्य पेशा ट्रेन और मोहल्ले में चोरी करना है। ट्रेनों के अलावा मोहल्ले में भी वे लोग चोरी और डकैती की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। वहीं गिरफ्तार सभी का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। अमन पंडित ने इस घटना में लाइनर और षड्यंत्रकर्ता की भूमिका निभाई थी। SP श्रीमती सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में यह भी बताया कि चोरी की गई पिस्टल को किसी बड़े अपराधी गिरोह अथवा नक्सली संगठन को बेचे जाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन पुलिस ने समय पर कार्रवाई कर हथियार को बरामद कर लिया। कुल मिलाकर सहरसा पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। SP ने गठित टीम में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारियों को पुरस्कृत किए जाने की बात भी कही है। जो बीरा थाना में प्रतियुक्त थी, उसके द्वारा सूचना दी गई थी कि उसकी जो सरकारी 9mm की पिस्टल है, साथ में उसका मैगजीन और 5 राउंड गोलियां जो है वो ट्रेन के सफ़र के दौरान चोरी कर ली गई है। मामला GRP सहरसा थाना में दर्ज हुआ था। क्योंकि ये सहरसा जिला बल का हथियार था, तो इसके लिए सहरसा जिला पुलिस की एक टीम का गठन किया गया था प्रशिक्षु DSP निशिकांत भारती के नेतृत्व में। लगातार पुलिस ऑलमोस्ट हर दिन छापामारी कर रही थी और तकनीकी अनुसंधान, CCTV फुटेज स्टेशन से बेगूसराय, मानसी, सहरसा, कोपड़िया तक सबको खंगाला जा रहा था। इसमें कुछ पुलिस को लीड मिली कि कुछ जो अपराधी हैं
वो खगड़िया से सौर बाजार आ रहे हैं और शायद उनका हाथ इस पिस्टल चोरी में है। करीब रात्रि 4 बजे के आसपास सौर बाजार थाना में एक संदिग्ध लाल रंग की गाड़ी देखी गई। पुलिस को देखते हुए भागने लगी वो गाड़ी, उसको ओवरटेक करके पकड़ा गया। पकड़ने में जब चेक किया गया गाड़ी को तो सीट के नीचे वही जो चोरी की हुई पिस्टल थी 9mm की, जो सरकारी पिस्टल है, और 5 राउंड गोलियां और जो मैगजीन है वो बरामद हुआ। इस घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड है वो अमन पंडित है। वो अंतर जिला रेल चोरी और जो बस्ती में चोरियां होती हैं उसको करता है। अमन पंडित के साथ में उसके 4 साथी जो कि मानसी खगड़िया के रहने वाले थे, श्याम सुंदर पासवान, कार्तिक पासवान, नीरज यादव और रोशन यादव, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। बरामद हम लोगों ने जो सामान किया है वो चोरी की गई 9mm की पिस्टल है। बरामदगी की जो रिपोर्ट है वो सौर बाजार थाना में दर्ज की गई है। मैगजीन एक मिला है उसी पिस्टल का, 9mm के जो कारतूस थे 5 वो मिले हैं, एक टाटा इंडिगो कार मिली है, अन्य चोरी का सामान और एक लोहे का बड़ा सुग्घा मिला है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि सरकारी पिस्टल जो चोरी हुई है तो हमेशा अंदेशा रहता है कि किसी बड़े क्रिमिनल ग्रुप के हाथ लग सकता है, और जैसा कि इन 5ों ने भी स्वीकारा है कि वो किसी बड़े नक्सली को इसको बेचने का प्लान बना रहे थे। मैम ये बरामद कहाँ से, ये चोरी कहाँ से हुई थी इसकी पिस्टल? ये जो हम लोग ने चेक किया है वो कोई बेगूसराय से कोपड़िया के बीच में उसको लिया गया है, और जैसा कि इन लोगों ने बताया कि काफी टाइम से वो इसके लिए रेकी कर रहे थे क्योंकि शायद वो PSI का मूवमेंट था उस ट्रेन में, उस रूट पे कई बार आने जाने का, तो बहुत सोची समझी तरीके से इसको चोरी किया गया था। बैग अमूमन रेल चोरी में पूरा का पूरा जो बैग होता है, पर्स होता है या सूटकेस ले लिया जाता है, लेकिन इसमें उसका ट्रॉली बैग रह गया था, सिर्फ एंड सिर्फ ये पिस्टल जो कि उसके छोटे से पर्स में थी उसको चोरी किया।